हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ में पंचमेल दाल की रेसिपी शेयर करेंगे। राजस्थान में इसे नवरत्न दाल या हम लोग इसे मिक्स दाल भी कह सकते हैं। वैसे तो पंचमेल दाल सभी को बनानी आती है, पर सभी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी चीज़ों का मेजरमेंट भी अलग होता है। जिस तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दी है, अगर आप सेम उस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो आपकी फेवरेट बन जाएगी ये दाल। आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। इसे मैंने मेज़रमेंट कप से बताया हुआ है, इसलिए 1/8 कप के लगभग हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। 1/4 कप के लगभग हम इसमें अरहर की दाल ऐड करेंगे। अरहर की दाल को हमने 1/8 कप से ही नाप कर 2 बार ऐड किया हुआ है। 1/8 कप के लगभग हम इसमें ऑरेंज कलर की मसूर की दाल ऐड करेंगे। 1/8 कप से भी हमने आधा करके इसमें बिना छिलके वाली मूंग की दाल ऐड की हुई है। सेम उतनी ही हमें उड़द की दाल भी ऐड करनी है, यानी कि 1/8 कप से आधा हमने उड़द की दाल यूज़ की हुई है। दोनों दालों को हमने बिना छिलके का ही यूज़ किया हुआ है। इसे अच्छे से हम 2-3 पानी से धो लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसे आधा घंटे के लिए सोक करने रख देंगे, जिससे कि सारी दाल अच्छे से फूल जाए और जब हम इसमें सीटी लगाएं तो परफेक्ट तरीके से हमारी सारी दाल कुक हो जाए। एक बार फिर से हम इस पानी को फेंक देंगे, दाल को धोकर निकाल लेंगे। दाल को हम प्रेशर कुकर में ही बना रहे हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया हुआ है। आधी छोटी चम्मच के लगभग हमने इसमें नमक ऐड किया हुआ है, या नमक आप स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। दाल में पानी हमें सारी दाल जितनी हमने डाली हुई थी उससे 3 गुना लेना है। 3 तेज़पत्ते, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा छोटी चम्मच देसी घी, इन सब चीज़ों को हमें ऐड कर देना है। और अब इसे हम हाई फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, और जैसे ही कुकर में सीटी आना शुरू होगी उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें 3 से 4 सीटी लगानी है। पंचमेल दाल की रेसिपी सबने अधिकतर जो दी हुई है उसमें सारी ही दालों को उनने बराबर मेज़रमेंट करके लिया हुआ है, यानी कि 5 दालों को उन्होंने 1-1 कप के हिसाब से लिया हुआ है। पर हमारे इस दाल का मेज़रमेंट बिल्कुल अलग है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और दाल बनाते समय इसमें घी ज़रूर ऐड करें। सीटी में से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा दाल का, और हमारा ढक्कन बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से। और घी ऐड करने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है दाल में। देखिए, दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी है। 1 चम्मच से हम चलाकर इसे आपको दिखाएंगे। तेज़पत्ता और दालचीनी डालने से बिल्कुल ढाबे जैसा फ्लेवर आएगा हमारे इस दाल में। अब हम एक कढ़ाई रख रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे सरसों का। दाल को फ्राई करने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उस टाइम पे हम आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही में हम लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देना है, साथ में हम अदरक भी ऐड कर देंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम मीडियम है, और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। जीरा और लहसुन को हमें अच्छे से चटका लेना है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे इस दाल में। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें प्याज को भी अच्छे से कुक कर लेना है। प्याज को भी हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। कुछ लोग प्याज को अच्छे से भूनते नहीं हैं, इस वजह से प्याज का फ्लेवर सही से नहीं आ पाता है दाल में। जब बिल्कुल प्याज इस तरीके से भून जाए तब हमें इसमें टमाटर ऐड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्याज हमें अच्छे से ही भूनना है, क्योंकि टमाटर डालने के बाद प्याज वैसे भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा दाल में, इसलिए हमने धनिया पत्ती पहले भी ऐड कर दी है, दाल बनने के बाद भी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। दाल को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसके लिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमने फ्राई पैन रखा हुआ है गैस पर, और अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच। अब हम इसमें 2 लौंग और 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 2 चुटकी के लगभग हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें इस टाइम पे लो रखनी है, और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे हम दाल के ऊपर से तड़का लगा देंगे।
जब तक हमने तड़का तैयार किया, जब तक हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। और अब हम इसके ऊपर से हल्की सी धनिया गार्निश कर देंगे, इसे ही मिक्स कर लेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इस तरीके की रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। दाल ठंडी होने के बाद वैसे भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। लीजिए, हमारी पंचमील दाल तैयार है तड़के वाली। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि सिर्फ घर की चीज़ों से बनकर ये तैयार हो जाती है। इसमें हमें देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस दाल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।